मेरे हंसते खेलते ज़िंदगी में आग लगाने आ गए हैं बिन बुलाए मेहमान। आपको तो पता है मैं बिन बुलाए मेहमान किसे कहती हूँ। भले ही मैं इस बार एक्सरसाइज ना करूँ लेकिन कोई भी चीट मील नहीं करूँगी। इसलिए फ्रिज में पड़ा केला उठाई, उसे छीलकर किशमिश के साथ खाई थी। सुना है पोटासियम होता है केला में, जो कि पेन रिलीफ में बहुत ज़्यादा मदद करता है। दोपहर में वैसे कुछ खाना बनाने का मन नहीं था, लेकिन चीट तो नहीं कर सकती बाहर खाना मंगा कर। इसीलिए सारे सब्जी को एक साथ काट कर प्रेशर कुकर में डालकर बनाई थी खिचड़ी। वैसे जब पापा अकेले रहते थे ऐसे खिचड़ी बना के खाते थे, ये मैंने पापा से ही सीखा है। शाम को बहुत ज़ोरों से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी, मुझे पकौड़े खाने के मन कर रहा था, लेकिन मैं तो चीट नहीं करूँगी इसीलिए चना उठाकर खा ली। चना खाने के बाद थोड़ा सा बाहर गई थी, बारिश भी रुक गई थी तो बाहर इधर उधर देख कर जा रही थी। ऐसे बारिश रुकने के बाद रास्ते में चलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। कुछ सामान लेकर घर पे आई और मच्छरों को बाय बाय बोलकर सो गई। गुड नाइट।